नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जून, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं को छात्रावास की दे रही है लाभ। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार का रहा बोलबाला। 10 रुपए जमा करिए और बिहार सरकार से पौधे पाइए। विपक्ष की महाबैठक का दूसरा चरण होगा शिमला में। वज्रपात से बचाव हेतु पूर्व चेतावनी पाए मोबाइल ऐप से। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास के लिए रेलवे में 3624 पदों पर भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रीजन के द्वारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कुल 3624 अप्रेंटिसशिप की नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जून से शुरू होगा। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 26 जुलाई है। ऐसे में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrc-wr.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार इससे जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार सरकार अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं को छात्रावास की दे रही है लाभ। IPRD बिहार के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को आधुनिक शैक्षणिक माहौल से परिपूर्ण आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों में कुल 46 बालक बालिका छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को अल्पसंख्यक समुदाय का होना अनिवार्य है और साथ ही संबंधित जिले में मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत हो। इच्छुक छात्र अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1800-3456123 पर कार्यालय अवधि में कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। मार्च 2024 तक राज्य के 23 जिलों के ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 250 पुल पुलिया। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से राज्य के 23 जिलों के ग्रामीण इलाकों में करीब 250 पुल पुलियों के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इन पुल पुलियों का निर्माण नाबार्ड की मदद से की जाएगी, जिससे वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मालूम हो कि फिलहाल इन सभी पुल पुलियों के निर्माण को लेकर एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है, जिसकी जाँच NIT पटना या MIT मुजफ्फरपुर के द्वारा करवाई जाएगी। इनके द्वारा की गई जांच में सब कुछ सही पाने के बाद ही पुल और पुलियों के निर्माण के लिए राशि जारी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन 23 जिलों में करीब 250 पुल पुलियों का निर्माण किया जाना है, उनमें बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, सारण, किशनगंज, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अरवल, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मोतिहारी, मधुबनी, मधेपुरा, कैमूर, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, बांका, मुंगेर और नालंदा शामिल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामेश्वर सिंह कश्यप के बारे में। रामेश्वर सिंह कश्यप पटना विश्वविद्यालय में भोजपुरी नाटककार, पटकथा लेखक और हिंदी के प्रोफेसर थे। उन्हें उनके भोजपुरी नाटक लोहा सिंह के लिए जाना जाता है, जिसे 1970 के दशक में रेडियो पर अपार लोकप्रियता मिली थी। एक लेखक के रूप में उनका करियर 1942 में शुरू हुआ। उनकी पहली हिंदी रचना पटना में मासिक पत्रिका किशोर में प्रकाशित हुई थी। बाद में उन्हें भोजपुरी नाटक लोहा सिंह जैसे लेखन के लिए लोकप्रियता मिली। 1960 के दशक में उनकी भोजपुरी लघु कथा माछरी साप्ताहिक पत्रिका अंजोर के अप्रैल संस्करण में प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1991 में साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने नाटक पर आधारित फिल्म लोहा सिंह में लोहा सिंह के रूप में अभिनय किया। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार का रहा बोलबाला। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के नालंदा के खिलाड़ियों ने परचम लहरा दिया है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में नालंदा के खिलाड़ियों के द्वारा 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर बिहार और अपने जिले का नाम रोशन किया गया। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों के कुल 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें बिहार के नालंदा जिले की ओर से कुल 17 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वह इस बारे में खिलाड़ियों के कोच सह मैच रेफरी राकेश राज के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा 6 स्वर्ण पदक समेत कुल 18 पदक जीते गए हैं। उन्होंने कहा कि दर्जनों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में बेहतर प्रदर्शन कर मेडल जीत चुके हैं। BSSC परीक्षा रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की प्रिया कुमारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट की ओर से
आर्थिक अपराध इकाई को निर्देश दिए कि वे अगली सुनवाई में हलफनामा दायर करें। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस परीक्षा के पहले दिन परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे, इसलिए यह जरूरी है कि पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित किया जाए। बता दी कि हाईकोर्ट की ओर से इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई 2023 को की जाएगी। बिहार से गुजरने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ी। रेलवे की ओर से यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिहार से गुजरने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जिन 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि को बढ़ाया गया है उसमें 03357 बरौनी कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन अब 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रत्येक शनिवार चलेगी। वहीं 03358 कोयम्बटूर बरौनी स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से 4 अगस्त तक प्रत्येक बुधवार, 01117 CSMT मुंबई दानापुर स्पेशल ट्रेन 29 जून को, 01118 दानापुर CSMT मुंबई स्पेशल ट्रेन 30 जून को, 05616 गुवाहाटी उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन 2 जुलाई से 29 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को, 05615 गुवाहाटी उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से 1 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को, 05762 कटिहार रांची स्पेशल ट्रेन 6 जुलाई से 26 अगस्त तक प्रत्येक गुरुवार, 05761 रांची कटिहार स्पेशल ट्रेन 7 जुलाई से 27 अगस्त तक, 05734 कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन 8 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को और 05733 अमृतसर कटिहार स्पेशल ट्रेन 10 से 30 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। 10 रुपए जमा करिए और बिहार सरकार से पौधे पाइए। खेती किसानी के तहत फसल उत्पादन के साथ ही अब वृक्षारोपण को भी जोड़ दिया गया है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही फसल सुरक्षा हो सके। अब कृषि के अंतर्गत लकड़ी, फल, लुगदी, औषधि और तमाम कृषि उत्पाद मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब पेड़ आधारित उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है। इसे इको फ्रेंडली भी कहा जा रहा है, इसलिए अब बिहार सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार सरकार महज 10 रुपए में आपको एक पौधा देगी। अगर आप उस पौधे को 3 साल तक सुरक्षित रखते हैं तो वह राशि आपको लौटा दिया जाएगा। अगर आप इस तरह के वृक्षारोपण को लाभ लेना चाहते हैं तो 06122226911 या 94730459992 पर ऑफिस के समय में कॉल कर इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे वीर कुंवर सिंह पार्क के बारे में। वीर कुंवर सिंह पार्क भोजपुर शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह पार्क भोजपुर जिले में आड़ा में स्थित है। यह पार्क बहुत सुंदर है। पार्क के बीच में आपको एक झील देखने के लिए मिलती है। यह झील बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील में आपको बहुत सारे बत्तख देखने के लिए मिल जाते हैं। यह झील चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरी हुई है। यहाँ पर आपको फव्वारा भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बोटिंग का मजा लिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे झूले भी हैं जिसमें बच्चे लोग काफी इंजॉय कर सकते हैं। यह पार्क भोजपुर में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। आप यहाँ पर आकर अच्छा समय बिता सकते हैं। इस पार्क का नाम वीर कुंवर सिंह रखा गया है। यहाँ पर सुबह एवं शाम के समय मॉर्निंग वॉक वाले लोग आते हैं और पार्क में घूमते हैं। यह पार्क आड़ा के बीचों बीच स्थित है। यह रमना मैदान के पास में बना हुआ है। हाईकोर्ट के सवालों में घिरा स्वास्थ्य विभाग। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों समेत जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर, MRI मशीन, सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के मामले पर रंजित पंडित के द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया कि इस मामले पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा 11 अगस्त 2023 तक पेश किया जाए। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में कई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ऐसे हैं जिनके पास अपने भवन नहीं है। राज्य के सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो सिटी स्कैन मशीनें लगाए गए हैं वे PPD मोड पर लगाए गए हैं। इन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से मान्यता नहीं देता है। इसी तरह PPD मोड पर ही राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में MRI मशीन लगाई गई है। कोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद भी सिटी स्कैन और MRI मशीनें नहीं लगाई गई। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 11 अगस्त 2023 को की जाएगी। श्रावणी मेला में विभिन्न खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए तय हुई रेट। श्रावणी मेले को लेकर बांका जिला प्रशासन की ओर से मेले में मिलने वाले विभिन्न खाद्य सामग्रियों के रेट तय कर लिए गए हैं। ऐसे में दुकानदारों को तय किए गए इसी रेट के तहत अपने सामानों को बेचना होगा। वहीं अगर किसी दुकानदार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार खान पान से लेकर ठहरने तक के रेट को तय कर लिया गया है। मालूम हो कि कांवड़िया मार्ग अंतर्गत सभी स्थायी व अस्थायी दुकानों के आगे खाद्यान्न सामग्री की दर तालिका बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। वहीं कांवड़िया पथ पर लगाए जाने वाले
दुकानदारों को अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है और उसका पालन भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इस वर्ष प्रशासन की ओर से किए गए खाद्यान्न सामग्रियों की दरों में बढ़ोतरी की गई है। वज्रपात से बचाव हेतु पूर्व चेतावनी पाए मोबाइल ऐप से। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है, जिसकी मदद से आप वज्रपात से बचाव हेतु पूर्व चेतावनी पा सकते हैं। बता दें कि इस ऐप का नाम इंद्र वज्र है। अगर आप भी इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस ऐप को डाउनलोड करने के उपरांत स्मार्टफोन यूजर के लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में ठनका गिरने की स्थिति में उसे लगभग 40 से 50 मिनट पूर्व अलार्म टोन के साथ चेतावनी संदेश प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर आप इस ऐप से जुड़े किसी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए टोल फ्री नंबर 0612229400 पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा आज, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा इस दिन। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन लेने के लिए आज यानी कि 24 जून को प्रवेश परीक्षा होने वाली है। वहीं राज्य के पारा मेडिकल कॉलेजों में नामांकन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा कल यानी 25 जून को होने वाली है। बता दें कि इन दोनों परीक्षाओं को लेकर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। बता दें कि इन दोनों परीक्षाओं को लेकर बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक में नामांकन लेने के लिए कुल 3,14,042 छात्रों के द्वारा पंजीयन कराया गया है। वहीं इन दोनों प्रवेश परीक्षाओं के लिए राज्य भर में 260 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज पॉलिटेक्निक के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में राज्य के 15 जिलों में 260 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,12,577 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इस परीक्षा की शुरुआत 11 बजे से होगी, जो कि दोपहर 1:15 तक चलेगी। वहीं कल यानी कि 25 जून को पारा मेडिकल के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में राज्य के 15 जिलों में 267 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1,55,372 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इस परीक्षा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी, जो कि शाम 4:15 तक चलेगी। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में बिहार के खिलाड़ी ने दी पाकिस्तान को पटकनी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में बिहार के खिलाड़ी गजेंद्र कुमार के द्वारा एथलेटिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी उमर कयानी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में बिहार के 2 खिलाड़ी और 1 कोच का चयन हुआ था, जिसमें हैंडबॉल के लिए सिंटू कुमार, एथलेटिक्स के लिए गजेंद्र कुमार और कोच के रूप में संदीप कुमार का चयन किया गया था। उनके अनुसार दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में 190 देशों के लगभग 7,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। वहीं गजेंद्र कुमार की जीत से बिहार के दूसरे खिलाड़ियों को भी मनोबल बढ़ेगा। बता दें कि गजेंद्र कुमार की जीत पर बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय और अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर के द्वारा बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। प्रदेश में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश तो कई जिलों में गर्मी जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इधर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि रविवार तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर जारी अपडेट में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में इस बार बारिश देर से दस्तक दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमांचल के इलाकों में जैसे कि अररिया और किशनगंज जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश को लेकर कोई बड़ा अपडेट न तो साझा किया जा रहा है और न ही बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में तेज गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग यह कह रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना है। विपक्ष की महाबैठक का दूसरा चरण होगा शिमला में। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर चल रही विपक्षी दलों की बैठक में सभी नेताओं के द्वारा अपनी अपनी बातें रखी गई। वहीं इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब विपक्षी दलों की महाबैठक का दूसरा चरण शिमला में आयोजित किया जाएगा, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार अगली बैठक अंतिम बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन कहां लड़ेगा। हम सब साथ रहे तो बीजेपी जरूर हारेगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगली बैठक शिमला में 10 या 12 जुलाई को की जा सकती है। वहीं सब के अलावा अगले बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है और विपक्ष की उस कवायद को उनके ही कंधे पर सौंपा जाएगा, जिससे भाजपा को हराया जाए। विपक्षी पार्टियों की बैठक पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का बयान आया सामने।
बीते दिन हुए विपक्षी बैठक को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और भाजपा विधान मंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा के द्वारा तंज कसा गया है। सम्राट चौधरी के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया कि राहुल गांधी को रसगुल्ला खाने को मिला होगा, गुलाब जामुन खाने को मिला होगा, लिट्टी खाने का अनोखा चीज मिला होगा ना, दूसरे जगह सत्तू कैसे भराता है, बिहार में लिट्टी में सत्तू भराता है। लालू जी बताए होंगे कि वह तरीका जो उनको याद होगा कि इस तरह लिट्टी बनाया जाता है। बैठक में चाय नाश्ता किया, लेकिन हमको दुख इस बात का है कि नीतीश जी को कुछ नहीं मिला। शिमला में बैठक है तो हनीमून थोड़े ही मनाने जाएंगे। वहीं विजय कुमार सिन्हा के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया कि बैठक में नेताओं का चेहरा यह बताने के लिए काफी है कि विपक्षी एकता आकर लेने से पूर्व ही धराशायी हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान स्टालिन का शामिल न होना यह दर्शाता है कि शुरू होने से पहले ही एकता की गाड़ी का हवा निकल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण इस बैठक की कवायद की है, लेकिन उनका मकसद इस जन्म में पूरा नहीं होने वाला। विपक्षी एकता की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू ने जमाई महफिल। विपक्षी एकता के बैठक की चर्चा कई दिनों से पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा देखी जा रही थी, लेकिन अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस दौरान लालू यादव की जुगलबंदी पर महफिल जम गई। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी शादी करिए तो वो लोग बारात चलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दाढ़ी मत बढ़ाइए और शादी करिए, आपकी माँ कह रही थी कि मेरा बात नहीं सुनता है, आप लोग शादी करवाइए राहुल की। आगे उन्होंने राहुल से कहा कि आप मेरी बात मानिए और शादी करिए। इस दौरान वहाँ मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। विपक्षी दलों की बैठक के बाद आपका कांग्रेस को अल्टीमेटम। बीते दिन बिहार की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास पर हुए विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल तो हुए, लेकिन इसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा गया। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें पार्टी की ओर से कहा गया कि जब तक 31 राज्यसभा सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध नहीं किया जाता, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य में इस तरह की बैठकों में हिस्सा लेना मुश्किल होगा। पार्टी ने कहा कि बैठक में मौजूद 15 पार्टियों में से 12 पार्टियों के राज्यसभा में सांसद है, और इन 12 पार्टियों में से 11 पार्टियों ने अध्यादेश पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है और अध्यादेश का विरोध करने का फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस की ओर से अपना स्टैंड साफ नहीं रखा गया है। कांग्रेस हर मुद्दे पर स्टैंड लेती है, लेकिन काले अध्यादेश पर अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारत ने घोषित की टीम। बीसीसीआई की ओर से अगले महीने से भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले टेस्ट और वनडे मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे। बीसीसीआई की ओर से ऐलान किए गए भारतीय टीम में टेस्ट और वनडे दोनों ही टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। वहीं अजिंक्य रहाणे को टेस्ट में बतौर उपकप्तान टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा टेस्ट टीम में केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन और यशस्वी जायसवाल को भी रखा गया है। वहीं सबके अलावा बिहार के लाल मुकेश कुमार समेत जयदेव उनादकट, नवदीप सैनी और ईशान किशन को एक बार फिर से टेस्ट में मौका दिया गया है। इसके अलावा ईशान किशन को वनडे और टेस्ट दोनों में मौका दिया गया है। इसके अलावा बीसीसीआई की ओर से सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा का चयन नहीं किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने 1961 में उड़ान भरी। भारत ने 1961 में पहली बार सुपरसोनिक फाइटर HF-24 मक्खियों का निर्माण किया। भारतीय टीम 1974 में लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन पर सिमट गई। यह टेस्ट में भारत का न्यूनतम स्कोर है और वह पारी और 285 रन से हारा। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक दामोदर हरी चापेकर का जन्म 1869 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का जन्म 1863 में हुआ। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का निधन 1564 में हुआ। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता तथा हिंदी पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धा राम शर्मा का निधन 1881 में हुआ। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का निधन 1980 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन बोर्ड के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन बोर्ड के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन बोर्ड के तहत प्रशासन अधिकारी, सिंचपाल और सिंचपाल पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती करने का दावा करती है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट फेक है। यह वेबसाइट MoJSDO WRR DGR से संबद्ध नहीं है। इंस्टाग्राम से बस एक क्लिक में सीधे डाउनलोड करें रील्स। अगर आप इंस्टाग्राम से बहुत ही आसानी से बस एक क्लिक से रील्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ऐसा करने के लिए आपको शेयर रील्स के ऑप्शन क्लिक करने होंगे। यहां आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रील आपके कैमरे रोल में सेव हो जाएगी। ये फीचर ठीक टिकटॉक में मौजूद फीचर जैसा है। हालांकि टिकटॉक में रील्स को डाउनलोड करने पर इसमें कंपनी का वाटरमार्क आता है, इंस्टाग्राम रील्स के साथ फिलहाल ऐसा नहीं है।
यानी पब्लिक रील्स को डाउनलोड करने पर इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। हालांकि फिलहाल ये फीचर्स अभी सभी के लिए रोल आउट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी सभी के लिए रोल आउट किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट यूजर्स के पास ये राइट होगा कि वे जब चाहे रील्स के डाउनलोड करने का ऑप्शन हटा सकते हैं, यानी वीडियो को डाउनलोड होने से डिसेबल कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप रील्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब चेहरा दिखाकर पूरा होगा किसानों का केवाईसी प्रोसेस। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा एक इवेंट में किसानों के लिए पीएम किसान ऐप में एक फीचर को लॉन्च किया गया है। इसके तहत किसी सेंट्रल वेलफेयर स्कीम के लिए किसानों को वन टाइम पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के बजाय मोबाइल फोन पर अपना फेस स्कैन करके ई केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने की सुविधा देगा। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सेंट्रल वेलफेयर स्कीम के लिए गवर्नमेंट की ओर से पीएम किसान ऐप में इस प्रकार के फीचर की शुरुआत की गई है। मालूम हो कि ऐप उन किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो बुजुर्ग है और उनका मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री के द्वारा इस साल 21 मई को पीएम किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर की पायलट टेस्टिंग शुरू की थी और तब से अब तक 3,00,000 किसानों का ई केवाईसी हो चुका है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बता दें कि कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 259.52 अंक या 0.41% टूटकर 62,979.37 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 105.75 अंक या 0.56% की गिरावट के साथ 18,665.50 के स्तर पर बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन जिन शेयरों में सबसे अधिक तेजी दिखाई दी उसमें इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और एचसीएल टिक रहे हैं। वहीं जिन शेयरों में बीते दिन सबसे अधिक गिरावट देखी गई उसमें पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील और इंफोसिस के नाम शामिल है जो लाल निशान पर बंद हुए। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ब्रजेश तिवारी, रंजीत मिश्रा, विनय राज, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, कुमारी संजना, अतीक खान, उमेश रिसिदेव, अनवर करीम खान, सुजीत गोप, कुश कुमार यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, सौरभ कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, रमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं में आपके लिए सबसे फायदेमंद कौन सी योजना रही? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।